नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हमारे साथ आप दिलीप जी हैं, स्पेशल सर्वे अमीन हैं। पूरे बिहार में अभी जमीन का सर्वे जोरों पर है और ऐसे ही लड़के के सहयोग से पूरे बिहार में जमीन के सर्वे को पूरा किया जाना है। तो जमीन से संबंधित, सर्वे से संबंधित कुछ इनसे सवाल पूछेंगे जो आम जनता के सवाल है। तो आप लोग इस सवाल को सुनिए और इसके जो भी उत्तर आते हैं आप लोग भी सुनिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा सवाल है, सर्वे बंद हो गया है, क्या सर्वे पुनः शुरू होगा या बंद ही हो जाएगा, अब ये इलेक्शन के बाद शुरू होगा? तो इस बात का अगर आप हम जवाब देंगे तो जब से हम काम शुरुआत किए हैं सर्वे का, आज तक हमें ऐसा कोई मेल या कोई मैसेज या कोई नोटिस नहीं आया है कि जिसके माध्यम से ऑफिशियल तरीके से ये साबित हो सके कि सर्वे बंद हो गया है। हाँ, अभी कुछ न्यूज चैनलों पे ये चल रही है कि हाँ, सर्वे बंद हो गया है। ये न्यूज चैनल पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें एक टैग लग लगता है कि बिहार में सर्वे बंद, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन जब आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ और ही जानकारी आपको मिलेगा कि सर्वे क्या होता है, सर्वे कैसे होगा, सर्वे बंद हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप उस वीडियो को भी एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि सर्वे बंद नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इस बात का अफवाह उड़ने का एक वजह है कि उसमें से एक बीच में बात हुआ था कि सर्वे 3 महीना के लिए बढ़ाया गया है। अच्छा, डेट एक्सटेंड किया गया था जैसे कि स्वघोषणा का। सर्वे एक समय सीमा वाला प्रक्रिया है। अच्छा। इसमें सरकार का निर्देश है कि 1 साल के अंदर सर्वे को पूरा कर देना है पूरे बिहार में। लेकिन उसमें स्वघोषणा लेने का जो डेट था उसमें 1 महीना का दिया गया था शुरुआती दौर में, लेकिन कि उसको तो अब बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ रैयतों को जानकारी नहीं थी, पेपर का अभाव था, पेपर उसके पास था नहीं, तो उसको तो पेपर के लिए टाइम चाहिए। और टाइम के लिए एक ऐसा नहीं होता, कोई भी जब सरकारी कार्य होता है तो उसका ऑफिशियल नोटिस होता है, सूचना होता है। ऐसा नहीं है मौखिक रूप पे कुछ भी बोल देगा कोई भी पदाधिकारी आपका काम हो जाएगा, उसके लिए एक नोटिस निर्गत होता है। वही नोटिस निर्गत हुआ था कि 3 महीना के लिए आपको जो है कि एक्सटेंड किया गया, आप 3 महीना तक अपने जमीन का जानकारी जो भी है उसको उपलब्ध करा लें और उसके बाद आप 3 महीना के भीतर आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 यानी कि स्वघोषणा का प्रपत्र आप भर के जमा कर दें अपने जमीन का। और ये अफवाह है और एक राजनीतिक स्टंट, हाँ राजनीतिक स्टंट भी है, और राजनीतिक घेरने का तरीका है विपक्ष के द्वारा, सरकार को गिराने का कहिए, घेरने का कहिए, ये एक तरीका है। और कुछ असामाजिक तत्व जिनको कि सर्वे से परेशानी है, सर्वे से घाटा है, उनके द्वारा भी समाज में कुछ ये मतलब कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि सर्वे नहीं हो पाएगा, सर्वे बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे को जब आप अच्छी बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, सर्वे एक अच्छी प्रक्रिया है और सर्वे के माध्यम से ही जमीन से जुड़ी जितने भी समस्या है, जितने भी विवाद है, उसको खत्म किया जा सकता है। और सर्वे तो सर्वे जब से शुरू हुआ है तो कभी बंद नहीं हुआ है। नहीं, इसलिए इसको पुनः सर्वे शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगर सर्वे बंद होता तो सरकार के द्वारा जो भी वेतन दिया जा रहा है सर्वे कर्मियों को वो भी बंद होना था। लेकिन आज तक किसी का नहीं वेतन बंद हुआ है। और अगर कोई कह रहे हैं कि सर्वे बंद हो गया तो हमें एक भी नोटिस जो कि बिहार सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है या सर्वे विभाग या राजस्व विभाग के द्वारा निर्गत किया हमें दिखाएं, तब जाके हम मानेंगे कि सर्वे बंद हो गया। सबसे बड़ा सवाल, आपको कोई न्यूज चैनल ये नहीं दिखा पाएगा कि सर्वे बंद हुआ है। हाँ, सर्वे का डेट एक्सटेंड हुआ है, सर्वे 3 महीना के लिए बंद भी नहीं हुआ है, प्रपत्र आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, सब आदमी अपने जमीन का स्वघोषणा कर रहे हैं। जिनके पास जमीन का पेपर नहीं है उसको दिया गया कि आप 3 महीना के अंदर जमा कीजिए, अगर जिस जमीन का स्वघोषणा नहीं आता है तो फिर तो उसको जो है कि बिहार सरकार के नाम से खाता उस जमीन का खोला जाएगा।